पोलन ग्रेन जिसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का ये डायमीटर होता है। माइक्रोमीटर एक छोटी यूनिट होती है मीटर की, 10^-6 मीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर। तो डायमीटर इनका कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। हैज ए प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वाल, तो इनके पास एक दो लेयर की वाल प्रेजेंट होती है बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट जो दिखाई दे अलग अलग। एक एक्जाइन होती है, एक्जाइन क्या होता है, हाउ हार्ड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोलिनी। स्पोरोलिन एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, मतलब इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ता है। हीट, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई एंजाइम एक्शन हो, कोई एसिड हो, बेस हो, इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता। तो ये आउटर लेयर है, एक्जाइन जो है वो स्पोरोलिन की बनी होती है। तो ये क्या कर सकता है, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली, तो ये किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकती है ये लेयर, ये डैमेज नहीं होगी। कोई भी एंजाइम इसको आज तक डिग्रेड नहीं कर पाया है। और कुछ जर्म पोर होते हैं, जर्म पोर क्या, प्रोमिनेंट अपर्चर वेयर स्पोरोलिन इज अब्सेंट, तो कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं एक्जिन एक्जाइन में ही जहाँ पे स्पोरोलिन है वो अब्सेंट होता है। क्यों, ताकि जो पोलन ट्यूब भी इसमें से निकलनी है पोलन ग्रेन में से, तो उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। ये पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो कई बार जो पोलन ग्रेन है वो पुराने से पुराने, 2000 4000 साल पुराने पोलन ग्रेन है वो देखने को मिल जाते हैं। और वो किस वजह से देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है ये उनके अंदर वाले कंटेंट को खराब नहीं होने देती, और वो वाइबल होते हैं। वाइबल का मतलब जब भी वो हम पोलिनेशन वगैरह करवाएंगे तो वो स्टिग्मा के साथ पोलिनेशन करके वहाँ पे पोलन जर्मिनेशन या फिर पोलन ट्यूब बना सकते हैं। एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, तो इसके अंदर काफी अलग अलग प्रकार का डिजाइन और पैटर्न का मतलब इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद है इंटाइन। इंटाइन क्या होती है, इनर वालो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के बिल्कुल इंटरनल साइड में प्रेजेंट होती है, और ये थिन, ये पतली होती है और कंटिन्यूस होती है। ये ऐसे जगह जगह पे जर्म पोर नहीं बनाती, ये हमेशा कंटिन्यूस मिलेगी, जबकि जो एग्जाइन है उसको हम डिसकंटिन्यूस बोल सकते हैं। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज से और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो एक फ्लूइड मटेरियल भरा होता है, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। कंटेन टू सेल, इसके अंदर दो सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर होती है साइज में, थोड़ी सी बड़ी होती है, और उसके पास खाना मटेरियल वगैरह स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो जनरेटिव सेल को जब भी आगे मेल गैमेट बनते हैं पोलन ग्रेन में तो उसको वो खाना पानी वगैरह प्रोवाइड करती हैं। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और वो फ्लोट करती है, मतलब तैरती है, किसके अंदर, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर तैरती हुई मिलेगी। स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस, जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल के आकार की दिखाई देती है, बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है ये भी, और डेंस साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर भी जो साइटोप्लाज्म वो डेंस होता है, क्योंकि इसको आगे डिवाइड करना होता है और इसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म की स्पीसीज के अंदर जो पोलन ग्रेन है जब वो रिलीज होते हैं एंथर से, तो वो टू सेल स्टेज होते हैं। टू सेल मतलब एक जेनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। जबकि जो बचे हुए हैं 40% जो एंजियोस्पर्म बच गए हैं, उनके अंदर क्या होता है, जब पोलन रिलीज होता है एंथर से, उस टाइम पे जो जेनरेटिव सेल है वो दो में डिवाइड हो जाती है, दो मेल गैमेट बना लेती है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, एक दो तो ये पहले थी सेल, जनरेटिव सेल एक थी और वेजिटेटिव सेल एक थी, लेकिन वेजिटेटिव सेल तो यहाँ पे एक ही रहेगी, लेकिन जनरेटिव सेल आगे दो सेल बना लेती हैं, जिसकी वजह से टोटल तीन सेल और बन जाती हैं, इसलिए इसको थ्री सेल स्टेज बोला जाता है। उसके बाद है तो जो पोलन ग्रेन की जो माइक्रोस्कोपिक पिक है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से नुकीले से भाग होते हैं इसके ऊपर, तो किसको स्टिग्मा के ऊपर अटैच होने में मदद करते हैं, और हम देख सकते हैं पोलन ग्रेन की जो लेयर है, बाहर वाली लेयर है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, जगह जगह खाली होते हैं जिसको जर्म पोर्स बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं होती, जबकि अंदर वाली जो इंटाइन लेयर है वो कंटिन्यूस होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो दो सेल होती हैं, एक सेल बड़ी है जिसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, दूसरी सेल छोटी है जिसको जनरेटिव सेल बोला जाएगा। और जब एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, तो पोलन ग्रेन इस तरीके से बिल्कुल आउटर देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पिक है बिल्कुल रियलिस्टिक पिक। और जब पोलन जर्मिनेशन होता है तो क्या होता है, इसमें पोलन ट्यूब निकलती है, और ये पोलन ट्यूब ही मेल गैमेट्स को स्टिग्मा के पार्ट से होती हुई, स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई जो ओव्यूल है, ओव्यूल के पास लेके जाती हैं,
और इसके अंदर कितने गैमेटो को ले होती है, ये टू मेल स्पर्म को लेके चलती है या टू मेल गैमेट्स को लेके चलती है, और ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे चलता है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं, कहाँ कहाँ पे हम पोलन ग्रेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी स्पीसीज काज सर्व एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, मतलब कुछ पोलन ग्रेन, कुछ प्लांट की ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि जो पोलन ग्रेन है उनकी वजह से एलर्जी क्रिएट होती है। ब्रोंकियल एफ्लिक्शन का मतलब है जो सांस लेने से संबंधी बीमारियां भी हो सक्टी हैं। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब जो लंबे टाइम तक रेस्पिरेटरी बीमारी हो, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाई होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जलन सी रहती है। और जो सबसे ज्यादा एलर्जी कोज करता है जैसे पार्थिमम, जो कैरेट ग्रास होता है, कैंगरसी ग्रास जिसको बोलते हैं, ये जो कि वीट के साथ इम्पोर्ट किया गया था, जो ग्रीन रिवोल्यूशन जब हो रहा था अपने इंडिया के अंदर चल रहा था जो 1960 के दशक में, तो उस टाइम पे जब अलग अलग वेराइटीज यूज की जा रही थी गेहूं की, तो मैक्सिको से गेहूं मंगवाया जा रहा था और उसके साथ में इसको इम्पोर्ट किया गया था, ये अपने आप ही आ गया था वैसे। और ये इतना ज्यादा फैल गया अपने इंडिया के अंदर जिसकी वजह से इसके पोलन ग्रेन होते हैं वो अस्थमा वाले पेशेंट को पोलन एलर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है जो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं वो पोलन, इनके पोलन ग्रेन से दूर ही रहें, जो कैंगरेसी ग्रास है इसे दूर रहने की उनको सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन के अंदर काफी जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। बिकम ए फैशन टू यूज पोलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। जो फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं अलग अलग जो बॉडी बिल्डर वगैरह एथलीट वगैरह, तो वो क्या करते हैं पोलन टेबलेट भी यूज करते हैं, मतलब जो टेबलेट्स जो गोलियां आती हैं इनकी जो हम अलग अलग टेबलेट यूज करते हैं तो उस फॉर्म में भी ये यूज किए जाते हैं। इन वेस्टर्न कंट्री जो पश्चिमी देश होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो उनकी मार्केट के अंदर बाजारों में अलग अलग टाइप के जो पोलन टेबलेट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, और सिरप्स का मतलब है जो एक पेय पदार्थ होते हैं, तो उनके रूप में भी जो पोलन ग्रेन यूज किए जाते हैं। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेज। तो जो पोलन ग्रेन यदि यूज किए जाएं तो इससे जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होता है, जैसे एथलीट होते हैं जो धावक होते हैं जो बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को यूज करते हैं तो वो ज्यादा इसका यूज करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इससे स्टेमिना इंक्रीज होता है। और जो रेस हॉर्सेज होते हैं जो घोड़े दौड़ने के लिए जो दो गेम होते हैं अलग अलग, तो उनके लिए जो घोड़ों को ये पोलन ग्रेन है वो यूज करवाया जाता है क्योंकि उनमें भी स्टेमिना का रोल आता है। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं हम, अलग अलग टाइप की स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन है उनको स्टोर किया जाता है कई कई सालों तक, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, -1960 डिग्री सेल्सियस, मतलब 196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। और इस माइनस में टेम्परेचर को क्यों रखा जाता है इतना ज्यादा, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो डैमेज ना हो जल्दी, तो उनको हम फ्यूचर में भी यूज कर सकें। किसके अंदर, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो अलग अलग फसलें तैयार करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। और ऐसे ये पोलन बैंक होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, जैसे ब्लड बैंक होते हैं, पोलन बैंक, सीड बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, तो इनमें इनको स्टोर करके रखा जाता है।